सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 30 अगस्त तक ही होगा। ये सत्र मौजूदा सरकार का अंतिम सत्र होगा, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। दिल्ली की जनता इस सत्र को लाइव देख सकती है, क्योंकि विधानसभा की वेबसाइट पर यह सुविधा मौजूद रहेगी। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता अजीत का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, आखिरी विधानसभा सत्र है ये इस सरकार का, क्या कुछ होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ही छोटा ये सत्र होने जा रहा है? बिल्कुल चित्रा, साफ तौर पर 3 दिनों का सत्र है, जिसमें से एक दिन प्राइवेट मेंबर के लिए होगा, यानी महज 2 दिन का यह सत्र होगा, जिसमें विपक्ष ने अपने करीबन कई मुद्दे दिए थे। लेकिन जो तमाम चर्चाएं हुई, इसमें अहम चर्चाएं केवल झुग्गी झोपड़ियों को लेकर होगा, यानी जो दिल्ली सरकार ने चीट किया है, जो वादे किए थे 2008 में कि झुग्गी झोपड़ी हटाकर उन गरीबों को मकान देगा, उसको लेकर होगा। साथ ही साथ जो महंगाई बढ़ी है, यानी प्याज के दामों को लेकर, टमाटर के दामों को लेकर विपक्ष उसके मूड में है, उतर चुकी है उसको हंगामे लेकर। ये आज के दिन ये 2 इम्पोर्टेंट मसले हैं, जिसमें विजय कुमार महत्रा सदन में बोलेंगे। जो मानसून सत्र का आज कार्रवाई पहला दिन होगा, देखना बेहद दिलचस्प होगा इन 3 दिनों तक क्या कुछ होता है दिल्ली के इस आखिरी और सरकार के आखिरी मानसून सत्र में। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खबरें इंडिया न्यूज पर लगातार जारी है, रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के।